बच्चों बहुत स्वागत है आप लोगों का केमिस्ट्री क्लास में। मैं हूं आपका केमिस्ट्री टीचर सुनील यादव। हाँ बच्चों, जैसे कि आपने देखा था, हमने नए अध्याय के साथ एक टॉपिक लिया है हाइड्रोकार्बन। और हाइड्रोकार्बन में मैंने आपको बहुत सारी अलग अलग टॉपिक के संदर्भ में जानकारी दी है ना। हाइड्रोकार्बन की डेफिनेशन से स्टार्ट करके मैंने आपको एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, उनके सूत्र कैसे बनाए जाएंगे वो आपको सिखाए, उनके संदर्भ में कि वो संतृप्त हैं क्यों असंतृप्त हैं, इनके संदर्भ में मैंने आपको जानकारी दी। इस कड़ी में बच्चों आपने देखा था कि मैंने जो लास्ट क्लास आपके साथ शेयर की थी वो क्लास थी IUPAC नामकरण, और मैंने इसके कुछ रूल्स आपके सामने रखे हुए थे। बच्चों उन्हीं रूल्स को आगे बढ़ाते हुए मैं आपके लिए कुछ टॉपिक आगे लेकर चलता हूँ। चलिए ध्यान दीजिए, कुछ एग्जाम्पल कंसिडर करता हूँ। एक एग्जाम्पल लेता हूँ, सबसे पहले सपोज बच्चों CH2 फिर कनेक्ट कर दिया CH और इसके साथ नीचे CH3, और सपोज यहां पे मैंने ले लिया CH3। सपोज बच्चों ये कंपाउंड है, अब मुझे आपको ये सिखाना है कि इस कंपाउंड का हम IUPAC नाम कैसे लिखेंगे। इसके लिए मैंने आपको कुछ रूल्स बता रखे थे, वो रूल्स रिकॉल हो जाएं, यही वजह कि मैंने ये एग्जाम्पल कंसिडर किया है। तो बच्चों अगर आपको याद होगा तो मैंने आपको सबसे पहले डिस्कस किया था कि हम सबसे पहले कार्बन कार्बन परमाणु की निरंतर अविरल या सतत सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चुनाव करते हैं। ठीक, चलिए काउंट करेंगे जल्दी से। तो बच्चों 1 2 3 4 5 6 तो बच्चों 6 कार्बन की जो श्रृंखला है वो सबसे लंबी चुनी जा सकती है, 1 2 3 4 5 6। तो 6 कार्बन की ये श्रृंखला जो कि सीधी वाली है स्ट्रेट, मैं इसका चुनाव कर लेता हूं। और बच्चों मैं आपको बता देता हूं कि ये कहला रही है मुख्य श्रृंखला। हमने सबसे पहले मुख्य श्रृंखला का चुनाव किया। अब इस मुख्य श्रृंखला के अलावा ये जो शेष श्रृंखलाएं आप देख पा रहे हो ना, इनको हम कहते हैं पार्श्व श्रृंखला। क्या कहते हैं बच्चों? पार्श्व श्रृंखला, ये पार्श्व श्रृंखला कहलाएंगे। ठीक है, ये पार्श्व श्रृंखला कहलाएंगे। पहला रूल्स, कार्बन की सबसे लंबी श्रृंखला का चुनाव करना। दूसरा रूल है बच्चों, हम करेंगे कार्बन मुख्य श्रृंखला के कार्बन का अंकन। मतलब ये है कि अगर मैं बोर्ड को देख रहा हूं तो ये मेरा नंबर 1 कार्बन होगा या ये मेरा नंबर 1 कार्बन होगा, ये समस्या मेरे सामने या आप लोगों के सामने भी होगी। ठीक है, तो हम यहां पर सेकंड रूल पे चलते हैं कि कार्बन मुख्य श्रृंखला के कार्बन का चुनाव हम उस सिरे से करेंगे जहां से कोई पार्श्व श्रृंखला नजदीक या पास पड़ेगी। तो हम काउंट करके देखेंगे बच्चों, तो देखेंगे 1, ये 1 पहला कार्बन, ये दूसरा कार्बन, ये तीसरा कार्बन, ये चौथा कार्बन, ये पांचवा और ये छठवा कार्बन। इसी तरह से बच्चों अगर चुनाव की प्रक्रिया को मैं कुछ इस तरह रखता, मैं इसको नंबर 1 बोलता तो ये नंबर 2, ये नंबर 3, ये नंबर 4, ये नंबर 5 और ये नंबर 6 होता। हम दोनों में समानता देखें कि हमारा नियम जो कह रहा था, नियम हमसे कह रहा था कि हम मुख्य श्रृंखला में कार्बन का अंकन उस सिरे से करेंगे जहां से कोई पार्श्व श्रृंखला नजदीक होगी। तो जब पहले वाले क्रम को मैंने वरीयता दी तो मैं देख रहा हूं कि मेरी जो पार्श्व श्रृंखला है वो मुझे 2 नंबर पर मिल रही है, जबकि दूसरे वाले क्रम में जो पार्श्व श्रृंखला है वो भी मुझे, यानी मैं दोनों स्थितियों में देख पा रहा हूं कि मैंने जो यौगिक लिया इस कंडीशन में, इसमें दोनों ही तरफ से पार्श्व श्रृंखलाएं जो वो 2 नंबर पर आ रही है। ठीक है, तो नियम अभी अच्छे से वेरीफाई नहीं हो पाया इसीलिए मैं एक एग्जाम्पल और क्रिएट कर लेता हूं। तो एग्जाम्पल देखिए, CH2, 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 CH3, फिर CH, इसके साथ एक CH3 ले लिया और फिर यहां पे CH3 ले लिया। सपोज बच्चों अगर ये कंपाउंड होता तो कार्बन की सबसे लंबी श्रृंखला 1 2 3 4 5 6, यानी 6 कार्बन की ये सबसे लंबी श्रृंखला स्ट्रेट वाली चुनी जा सकती है, पहला नियम फॉलो कर दिया मैंने। ठीक, दूसरा नियम मुख्य श्रृंखला के कार्बन का अंकन, अगर मैं इसको 1, इसको 2, इसको 3, इसको 4 और इसको 5 और इसको 6 बोलता हूं
तो मेरी जो पार्श्व श्रृंखला इस बार वो किस नंबर पर आ रही है, 5 नंबर पर। तो मैं दूसरे तरीके से चुनाव करता हूं कि दूसरा तरीका ये हो सकता है कि मैं इसको नंबर 1, इसको नंबर 2, इसको नंबर 3, इसको नंबर 4, इसको नंबर 5 और इसको नंबर 6 दूं। तो इस बार जो मेरी श्रृंखला है वो 2 नंबर के कार्बन पर आ रही है। तो नियम नंबर 2 कहता है बच्चों कि कार्बन के मुख्य श्रृंखला के कार्बन का अंकन उस तरह से करेंगे जहां से पार्श्व श्रृंखला को न्यूनतम अंक पर रखा जा सके। तो अब आप भली भांति समझ गए होंगे कि 5 के की तुलना में हमारा जो 2 है वो न्यूनतम है, छोटा है। इसका मतलब ये हुआ कि जब हम इसको राइट से लेफ्ट की तरफ काउंट करेंगे ना, जब मैं बोर्ड को देख रहा हूं तो मैं अपने राइट हैंड से लेफ्ट की तरफ काउंट करूंगा, पर्पल कलर से मैंने जो काउंटिंग की है, तो 1 2, तो पार्श्व श्रृंखला को 2 नंबर प्राप्त होगा। तो ये वाला जो नियम है वो बिल्कुल सही है। अब आप बोलोगे चलो सर ये तो समझ में आ गया, ये सही है, ऊपर वाले के लिए तो समाधान दे दो। तो बच्चों जब ऐसी कभी समस्या आपके सामने उत्पन्न हो जाए कि दोनों ही तरफ से पार्श्व श्रृंखलाएं बराबर स्थान पर आ रही हो, तो आप स्वतंत्र हैं, आप किसी भी एक सिरे से नंबरिंग स्टार्ट कर दीजिए, आपका नाम बिल्कुल सही प्राप्त होगा आपको। ठीक है, मेरी बात समझ में आ गई। चलिए दोनों कंपाउंड के जल्दी से नाम देख लेते हैं। तो पहले आपको नीचे वाले का नाम बता देता हूं। बच्चों तीसरा रूल कहता था मुख्य श्रृंखला के चुनाव के बाद कार्बन का अंकन हो गया। अब हम सबसे पहले नाम लिखते हैं किसका, पार्श्व श्रृंखला का। तो यहां पर हमारी पार्श्व श्रृंखला जो है वो CH3 है, और CH3 को हम बोलेंगे मैथिल। क्या बोलते हैं बच्चे CH3 को? बोलते हैं मैथिल। अगर आपको याद होगा तो मैंने नियम में बताया था कि मुख्य श्रृंखला से जुड़े पार्श्व श्रृंखला का जब आप नाम लिखेंगे तो वो भी उस अंक के साथ लिखेंगे जिससे वो मुख्य श्रृंखला से जुड़ी है। तो वो मुख्य श्रृंखला के दूसरे कार्बन पर जो पहले लिखेंगे 2, तो हम लिखेंगे 2-मेथिल। ठीक, 2-मेथिल। उसके बाद नियम नंबर नेक्स्ट जो है वो ये है बच्चों कि मुख्य श्रृंखला के कुल कार्बन को गिनकर, ठीक है, उचित अनुलग्न लगा देंगे, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड फंक्शनल ग्रुप के आधार पर। तो मुख्य श्रृंखला में कुल कार्बन की संख्या 6 है, तो 6 को अपन बोलेंगे हेक्स, बिकॉज ऑफ ये एल्केन के नाम लिख रहे हैं इसलिए पीछे एन आएगा, तो हेक्स प्लस एन क्या हो जाएगा, हेक्सेन। तो कंपाउंड का नाम आपको मिलेगा 2-मेथिल हेक्सेन। ठीक है, तो इस तरह से हमने अपने कंपाउंड का नाम प्राप्त कर लिया, आयुपिक नेम। बच्चों ऊपर वाले के नाम पर भी हम जल्दी से चर्चा कर लेते हैं। देखिए ऊपर जो यौगिक आप देख पा रहे हो उस कंपाउंड में पार्श्व श्रृंखला एक नहीं वरन 2 बार है ना, एक नहीं बल्कि 2-2 बार है। ऐसी कंडीशन में पहला नियम हमने लगाया, मुख्य श्रृंखला का चुनाव किया, कार्बन का अंकन भी कर लिया, किसी भी सिरे से कर सकते हैं, स्वतंत्र हैं। चलिए अब आप स्वतंत्र हैं तो कहीं से भी लिखिए, बात एक ही आनी। तीसरा नियम क्या था कि सबसे पहले पार्श्व श्रृंखला का नाम लिखना है, यहाँ पे पार्श्व श्रृंखला एक नहीं 2-2 है। तो बच्चों जब पार्श्व श्रृंखला 2 है तो अब ये देख लीजिए, अगला नियम कहता है कि अब ये देख लीजिए क्या दोनों पार्श्व श्रृंखलाएं समान हैं। क्या बोला मैंने, ये देख लीजिए कि अलग अलग कार्बन पर जुड़ी हुई या एक ही कार्बन पर जुड़ी हुई अगर 2 या 2 से ज्यादा पार्श्व श्रृंखलाएं हैं तो क्या वो समान हैं, एक जैसी हैं आपस में? यदि आपका जवाब है हाँ, तो ऐसी कंडीशन में आप सबसे पहले उन पार्श्व श्रृंखलाओं को देखिए कि वो मुख्य श्रृंखला के किन कार्बन पर जुड़ी हैं। तो एक जुड़ी है 2 पर और एक जुड़ी है 5 पर, तो मैं सबसे पहले लिखूंगा 2 और उसके बाद लिखूंगा 5। ठीक है, याद करिए मैंने इस चैप्टर को जब स्टार्ट किया तो आपको अंकों की जानकारी दी थी मैंने, और अंकों में मैंने आपको बताया था, ठीक है, मैंने आपको बताया था कि 1 को मोनो, 2 को डाई, 3 को ट्राई, 4 को टेट्रा, 5 को पेंटा, 6 को हेक्सा, 7 को हेप्टा, 8 को ऑक्टा, 9 को नोना, 10 को डेका कहते हैं। तो बच्चों यहां पर कुल अंक 2 हो गए, 1 और 1 2, और 2 को हम बोलते हैं डाई, तो हमने सबसे पहले लिख दिया डाई। श्रृंखला समान है और समान प्रकार की जो श्रृंखला है वो अभी भी क्या है, मैथिल है, क्योंकि CH3 को हम क्या बोलते हैं, मैथिल बोलते हैं। तो उसके बाद हम लिख देंगे 2,5-डाई-मैथिल। फिर मुख्य श्रृंखला के कुल कार्बन को गिनना है, तो मुख्य श्रृंखला में कुल कार्बन कितने हैं, 6 हैं, 6 को हम बोलेंगे हेक्स, एल्केन कंपाउंड है इसलिए पीछे आ जाएगा एन, इसलिए वो कंपाउंड हो जाएगा हेक्सेन। तो बच्चों इस तरह से हमको जो कंपाउंड हमारा मिलेगा, ठीक है, वो कंपाउंड हमको मिलेगा 2,5-डाई-मैथिल हेक्सेन। ठीक है, समझ में आया? ठीक है, अब आप लोगों के मन में और भी प्रश्न आ रहे होंगे, प्रश्न आ रहा होगा कि सर अगर ये दोनों पार्श्व श्रृंखलाएं अगर भिन्न होंगी तो क्या होगा। तो मैं कुछ अगले एग्जांपल लेता हूं, आप समझ जाएंगे। देखिए मान लीजिए बच्चों मेरा एग्जांपल कुछ इस तरह का है, CH3
एच टू, सी सी एच थ्री, सी एच थ्री, सी एच, फिर सी एच थ्री और सी एच थ्री। अगर इस तरह का कंपाउंड है, ठीक है, तो देखिए क्या हो सकता है। ऐसी सिचुएशन भी आपके सामने आएगी इस कंपाउंड में। सबसे पहले कार्बन का अंकन करेंगे, कार्बन का अंकन करिए, वन टू थ्री फोर, वन टू थ्री फोर, वन टू थ्री फोर फाइव, वन टू थ्री फोर फाइव। तो बच्चों ये सीधी स्ट्रेट लाइन को मैं पांच कार्बन की एक सबसे लंबी श्रृंखला के रूप में चुनाव कर लेता हूं। दूसरी चीज, कार्बन का अंकन करना है। फिर कार्बन के अंकन के लिए हमने कहा था कि हम देखेंगे मुख्य श्रृंखला से जुड़े पांच श्रृंखलाओं को न्यूनतम अंक पर रखना। तो देखेंगे जब यहां से काउंट करेंगे तो वन टू थ्री फोर फाइव। तो बच्चों आप देख सकते हैं कि जब आपने लेफ्ट से राइट काउंट किया है तो पार श्रृंखला जो है वो तीन नंबर की कार्बन पर आ रही है। इसीलिए मैं चुनाव को बदलता हूं, और चुनाव को बदलते हुए मैं राइट से लेफ्ट चला जाता हूं, तो मैंने इसको नंबर वन, इसको नंबर टू, इसको नंबर थ्री, इसको नंबर ये, ठीक है, ध्यान दीजिए। तो नंबर फाइव मैंने चुना। इस कंडीशन में अब मुझे जो पार श्रृंखला मिल रही है वो न्यूनतम अंक दो पर प्राप्त हो रही है। ठीक है, जब वो मुझे दो पर प्राप्त हो गई तो मुझे पता चल गया कि मेरा जो सही चुनाव होगा वो राइट से लेफ्ट की तरफ होगा। ठीक, तो सही चुनाव हमने सबसे पहले किया। यहां पर मैं आपको बता भी दे रहा हूं कि सही जो चुनाव था वो मैंने आपके सामने किया, और सही चुनाव राइट टू लेफ्ट है। ठीक है, ओके। चलिए, इस कंडीशन में आप देख सकते हैं कि पार श्रृंखला एक नहीं बल्कि इन तीन है। ठीक है, तो सबसे पहली पार श्रृंखला दो नंबर पे आ रही है तो मैं दो लिखूंगा, फिर तीन नंबर पे दो बार जुड़ी हुई है तो मैं तीन को रिपीट करूंगा। तीन को रिपीट इसलिए किया, एक बार ऊपर वाली के लिए तीन, फिर एक बार नीचे वाली के लिए भी, नीचे वाली के लिए भी तीन, क्योंकि तीन नंबर एक ऐसा कार्बन है पर कार्बन है जिस पर दो बार पार श्रृंखलाएं जुड़ी हुई हैं, ऊपर से भी और नीचे से भी। ठीक है, तो उस अंक की पुनरावृत्ति आपको करनी पड़ेगी। कुल अंक काउंट कर लीजिए, कुल अंक आपके पास तीन हो गए। तीन को हम कहते हैं ट्राई। क्या कहते हैं तीन को? ट्राई। बच्चों क्या जुड़ रहा है ट्राई बार? फिर वही मैथिल जुड़ रहा है, तो मैंने लिख दिया मैथिल। किसके साथ जुड़ रहा है? पांच कार्बन की चेन के साथ। पांच कार्बन को बोलेंगे पेंट, उसमें जोड़ देंगे एन, क्या हो जाएगा? पेंटेन। तो दिस इज 233 ट्राई मेथिल पेंटेन। तो ये इस तरह से हमारा कंपाउंड हो जाएगा। होप सो आपको ये समझ में आ गया। आगे देखिए, एक एग्जांपल और ले रहा हूं जल्दी से, जहां पर पार श्रृंखलाओं में भिन्नता आ सकती है। एग्जांपल देखिए, सी एच थ्री, सी एच टू, सी ऊपर बेटा मैंने ले लिया सी एच थ्री, ठीक है, उसी कार्बन पर मैंने ले लिया सी टू एच फाइव, फिर मैंने ले लिया सी एच टू और मैंने ले लिया सी एच थ्री। इस कंपाउंड में आप देखेंगे कि सबसे पहले कार्बन का अंकन कर लीजिए, तो पांच कार्बन की चेन आप चुन पाएंगे। तो मैं सबसे पहले पांच कार्बन की ये चेन सीधी श्रृंखला के रूप में चुन लेता हूं, ये मेरी मुख्य श्रृंखला हो गई। फिर वही चीज बच्चों, मैं कार्बन का अंकन करूंगा, तो इस बार आप देखेंगे कि एक एक दो तीन चार पांच, ठीक है, तो कहीं से भी मैं काउंट करूं अंक सदैव पार श्रृंखला जो है ऊपर वाली या नीचे वाली दोनों ही तीन नंबर पर जुड़ रही है, तो वो दोनों तरफ से एक जैसे ही अंक पर आ जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर भिन्नता पे आएगी तो हमको न्यूनतम के लिए चुनाव करना पड़ेगा। इस एग्जांपल के अकॉर्डिंग वो तीन पर आ रही है तो मेरा चुनाव सही हो गया। अब यहां पर आप देख सकते हो बच्चों कि जो पार श्रृंखला है वो भिन्न भिन्न है। अब यहां पर ऊपर जुड़ रहा है क्या सी एच थ्री, नीचे जुड़ रहा है सी टू एच फाइव। तो ऐसी कंडीशन में आप थोड़ा सा परेशान हो सकते हैं, क्योंकि हमने कहा था हम सबसे पहले मुख्य श्रृंखला से जुड़ी हुई पार श्रृंखला का नाम लिखते हैं। तो अब इस बार नाम लिखने के क्रम में हम पहले सी एच थ्री का नाम लिखेंगे या सी टू एच फाइव का नाम लिखेंगे, क्योंकि हमारे सामने वेराइटीज आ गई। तो अब यहां पर एक रूल्स और बढ़ेगा, और वो नियम ये कहता है कि जब मुख्य श्रृंखला में दो भिन्न प्रकार की पार श्रृंखलाएं जुड़ी हों तो हम अंग्रेजी वर्णमाला के आधार पर उनके नाम को क्रम अनुसार लिखेंगे। यानी अब इस कंडीशन में मैं सी एच थ्री को बोलूंगा मैथिल, तो मैथिल को इंग्लिश में उसका पहला लेटर एम मिलेगा। इसी तरह से सी टू एच फाइव को मैं बोलूंगा एथिल, तो मुझे इसका पहला लेटर इंग्लिश वर्णमाला के आधार पर ई। तो अब ये देखेंगे बच्चों कि अंग्रेजी वर्णमाला में ई पहले आता है या एम पहले आता है। तो आप लोग भली भांति जानते हैं कि ई पहले आता है। इस आधार पर सी टू एच फाइव तीन पर पहले जुड़ा हुआ, तो हम सबसे पहले लिख देंगे थ्री एथिल, फिर उसी तीन नंबर पर मैथिल भी जुड़ा हुआ है
तो कॉमा करके हम पीछे लिख देंगे थ्री मेथिल, फिर बाकी के रूल सेम हो जाएंगे, मुख्य श्रृंखला के कुल कार्बन को गिनिए पांच, पेंट प्लस एन, तो ये हो जाएगा पेंटेन। तो बच्चों इस तरह से हमने क्या किया, हमने कुछ महत्वपूर्ण यौगिकों के IUPAC नामकरण लिखने का एक तरीका समझा। इस कड़ी में बच्चों अभी और भी बहुत सारे कंपाउंड मिलेंगे जहां पर मैं क्रियात्मक समूह वाले यौगिकों के IUPAC नामकरण आपको करना सिखाऊंगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही, थैंक यू, अपना ख्याल रखिए।